नाम क्या है? नाम आपका? आपका काम कर... ये राजू है। अच्छा राजू सिंह वोटर ने सिंह कर करंदीप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। इन्हां नाल गल कर, पहले गल करो, बाद च करदे आं, पहले गल कर। अज असी गल कर इन्हां नाल। तू कोई बात नहीं, कसम बोल, सीधा टक्का। और आप काम करते हो? पहले करता, पहले करते थे, अब नहीं करते है। अब नहीं करते तो कोई घर में कोई कमाने वाला मतलब कमाने का भी कोई की जाती है? निकालो वो भी। चल 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 महाराज, चलो 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 चलो। रुक जा, तू दौड़ दम ना मुंह। आराम से अंदर चलो, इतने रखो कहीं। ठीक है आप? इधर आते चलो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। दोस्तों मैं बलविंदर सिंह गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट और मेरे साथ दस्ते मददगार एनजीओ, दोनों एनजीओ ने मिलकर एक परिवार है, परिवार आप देख रहे हैं जो खड़ा है सामने, ये माता तारो कौर चट्ठा भोर कैंप गोविंदपुरा। गरीबी की इस कगार में गुजर रहे थे कि मैं क्या बताऊं, बहुत माड़ी कंडीशन में। हम इसके घर में पहले भी आए, दूसरी तीसरी बार आके देखा है। ये इसके दोनों बच्चे हैं, दोनों सीधे हैं, मतलब जिसको हम पंजाबी में कमले बोलते हैं और हिंदी में मतलब के सीधे। इनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है और ये बेचारी की हालत देख ली आपने, दोनों आंखों का ऑपरेशन हो रखा है, ना तो काम कर सकती है, काज कर सकती है। इसके घर की कंडीशन भी आप दिखाना, थोड़ा कैमरामैन आगे आना। इनके घर की कंडीशन है बहुत मतलब के माड़ी हालत है। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जब वोट लेने हैं तब तो
मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मैं बोला नहीं, लेकिन आज बोल रहा हूँ, जब वोट लेने होते हैं तो तब आते हैं, चाहे वो हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, तब भी जब उनको ज़रूरत होती है तो तब भी आते हैं, जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, वोट हो जाते हैं, तो तब वो किसी ऐसी फैमिलियों की बात नहीं पूछते, तो उनको बाद में भी ऐसे लोगों के पास आना चाहिए। ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं, सीधे साधे हैं, और इनको कोई 10 रुपये पे लगाएगा तो शायद हो सकता 10 रुपये में ही पूरा दिन लगे रहेंगे, ऐसी हालत है इनकी दशा है। ये बुज़ुर्ग माता है, इसकी दशा आपने देख ली, जिसकी दोनों आंखों का ऑपरेशन है, खर्चे के लिए पैसा नहीं है, कैसे चलेगा घर। हमारी नज़र में आया, हमने सोचा क्यों ना इनकी हेल्प करें। और मैं आज एक बात बहुत उम्दा बात बोलने वाला हूँ, लोग कहते हैं मुसलमान हिंदू सिख ईसाई अपने धर्म में आपस में लड़ा लड़ा के मार रहे हैं, कौन लड़ा रहा है, ये हमारे सियासी जो लोग हैं ना, लेकिन ऐसे लोगों की बात नहीं पूछे। मुझे आज इस बात का फ़ख्र है, बहुत फ़ख्र है कि मेरे साथ जो टीम है, साथ चार भाई आए हैं, मुसलमान हैं, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं है, मज़हब से गरीबी का कोई मज़हब नहीं है, गरीबी का कोई धर्म नहीं है, गरीबी गरीबी है, उसमें चाहे कोई भी हो। हम भी कई बार मदद करते हैं, मेरा यह असूल है, मैं कभी मज़हब और जात से नहीं जोड़ता हूँ। इन्होंने ये नहीं सोचा है कि हम इनकी सिख हैं, हम इनकी मदद क्यों करें, हम मुसलमान हैं, मुसलमान की मदद करेंगे ना। यही है भाईचारे का संदेश, यही है भाईचारा। इनको लगा ये सिधड़े से टीम, सिधड़े की टीम है, सिधड़े से टीम चल के जहाँ आई है, यहाँ जहाँ तक के जो हमारे लोग इधर रहते हैं, चाहे वो सिख कम्युनिटी के हों, चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक कमेटी हो, चाहे जो भी है, उन लोगों ने इनकी बात नहीं पूछी। इसके सर पे बांधने के लिए कपड़ा नहीं था, ये इसने अभी बंधवाया, मैंने दस्तार नहीं थी इसके सर पे, अभी बंधवाया, मैं बोला कि सिर नंगा है इसको बांध। ये आप लोगों ने देखना जनाब, हम तो एनजीओ वाले हैं, हम भी गरीब हैं, लेकिन हमारे दिल में सीने में ना जो दिल है, इसमें भगवान ईश्वर बैठा है और वाहेगुरु बैठा है। हम सोचते हैं चल एक रोटी खा लेंगे, थोड़ा खा लेंगे, ऐसे लोगों का काम आ जाए, ले भी कुछ नहीं जाना है, सिकंदर जैसे नहीं लेके गए तो हमने कहाँ ले जाना है। तो ऐसे लोगों की मदद किया करो जनाब, तभी तो मज़ा है कमेटियों में आने का, तभी तो मज़ा है सियासत में लीडर बनने का। छत गिर रही है इसकी, छत गिर रही है इसकी, वीडियो में देखा होगा आपने, छत गिर रही है। ए माई हाथ जोड़ के हाथ मत जोड़वा, मजबूर है, लाचार है, मैं यही कहना चाहता था। बाकी आपको समझ आ गई होगी, मेरे भाई इमरान साहब कुछ कहेंगे, इमरान साहब आप। पहले तो आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने हमें उस फैमिली से मिलाया जिनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। हम दस्ते मददगार की ट्रस्ट की तरफ से आए हैं, और आपके ट्रस्ट का नाम क्या है? गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट। इनका हम बहुत ही शुक्रगुजार है जो इस टाइप के काम में इनिशिएटिव लेते हैं। आपने कंडीशन देख ही ली होगी घर की, आपने वीडियो वगैरह सब कुछ देख लिया, और इनके दो बच्चे हैं, कमाने का कोई ज़रिया नहीं है आपका। तो आज हम यहाँ पे पहुँचे तो खुशी भी हुई कि ऐसी फैमिली की हम हेल्प करते हैं कि जिनको कोई कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। मैं तमाम उन एनजीओ से, जो भी ट्रस्ट वगैरह है, यहाँ पे विज़िट कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए, और इनके बगैर भी और भी कुछ फैमिलीज होगी इंशाल्लाह ताला फील्ड में उतरे हैं हम दोनों, तो इंशाल्लाह ताला हमारी टीम भी अब फील्ड में उतरे हैं, तो हम उन जगहों पे ज़रूर पहुँचेंगे।